देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोवर्धन में ई रिक्शा वालों की लापरवाही पड़ रही श्रद्धालुओं पर भारी। कस्बा गोवर्धन में यूं तो एनजीटी के आदेश के बाद ई रिक्शा ऊपर रोक लगा दी गई है, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं और ई रिक्शा चालकों के शुभचिंतकों के हस्तक्षेप के बाद गोवर्धन कस्बे में ई रिक्शा का संचालन प्रारंभ हो गया है। लेकिन शायद उन शुभचिंतकों को भी नहीं पता होगा कि जिनकी वो पैरवी कर रहे हैं वो अपनी लापरवाही से अपने शुभचिंतकों को भी शर्मिंदा करवाएंगे और बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहां के ई रिक्शा चालकों को कोसते हुए वापस जाएंगे। मामला गोवर्धन के हाथी दरवाजा का है, जहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे रिक्शा चालक ने लापरवाही बरतते हुए और श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार करते हुए हाथी दरवाजा स्थित मोड़ पर इस तरह से ई रिक्शा को मोड़ा कि वह पल भर में पलट गया और दो महिला श्रद्धालु सहित तीन चार लोगों को चोटें आईं। इतना ही नहीं, ई रिक्शा चालक घायल श्रद्धालुओं को सड़क पर ही पड़ा छोड़कर ई रिक्शा को भगा ले गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने पूरे पैसे भी दिए और सवारी भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ई रिक्शा चालक अदा से गाड़ी चला रहा था और उनसे अभद्र भाषा में बात कर रहा था। उससे प्रतीत हो रहा था कि वह शायद शराब पीते हुए था। रिक्शा चालक की लापरवाही के लिए दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु परिवार ई रिक्शा चालक के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी कोसते नजर आए। देखना होगा कि आए दिन ई रिक्शा चालकों की वजह से गोवर्धन में जो जाम की स्थिति बनी रहती है तथा आए दिन श्रद्धालुओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, क्या उनमें कमी के लिए शासन प्रशासन पुलिस कोई कदम उठाकर गोवर्धन तीर्थस्थल को शर्मिंदगी से बचा पाएगा या ऐसे ही धार्मिक स्थल में आने वाले श्रद्धालु स्थानीय व्यवस्था को कोसते हुए वापस जाएंगे। ई रिक्शा चालक तुम ही हो, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? अरे वो उसमें से पहिया तेज होता है तो अगर हो गया थोड़ा सा तो स्पीड से क्यों भगा रहे थे उसको? वो कह रहे हैं बहुत स्पीड से भगा रहा था, थोड़ा सा टाइम कट गया ना, तो इसलिए मैंने तो रोकने की भी कोशिश करी थी, अब वो बंद ही गया। वो श्रद्धालु कह रहे हैं जानबूझ के तुम तेज भगा रहे थे, वो मना कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी अपनी भी तो फिक्र है, फिक्र होती तो तुम इतनी तेज भगाते नहीं मोड़ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक। कहाँ से आए आप? दिल्ली। परिक्रमा लगाने? हाँ जी, परिक्रमा लगाने आए। हाँ जी, हम अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या घटना हुई है? हम पहले समोसे खा रहे थे, तो वहाँ पे बोल रहे हैं इनको समोसे भी खाने, इनको आलू खाने, इनको सीताफल खाना है, इनको सब खाना है, इनको चाय भी पीनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दो रिक्शे में थे, हम दो सेम फैमिली से चार चार लोग दो अलग रिक्शे में थे, ठीक है। तो वो बोले जा रहा है वो गलत चला रहा, वो उसके बाद से यहाँ पे दुकान थी, उसके बाद से गलत चला रहा, वो बहुत ज्यादा गलत चलाया जा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वो आया आगे, उसने गलत कट मारा और हमारे चारों फैमिली और विद रिक्शा पलट गया। हमने देखा सब पलट गया। अब एजेड है हमारी फैमिली, सारे एजेड। तो आपने उसको मना नहीं किया कि इतनी तेज गाड़ी मत चला? हम तो आगे थे ना, अब ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बैठे हुए थे उसमें। इतने गुस्से में ना चलाओ तुम, आप लोग पीछे हो, पीछे हो, गुस्से में ना चलाओ, सब पीछे, आपने भी जाने हमारी भी जाने, पर वो तो चलाया जा रहा है गुस्से में, जानबूझ के तेज भगा रहा, मतलब ये हमारी फैमिली के साथ हुआ, भगवान की वो है कि हम लोग बच गए, बच किसी गए। और की फैमिली के साथ ये सब होगा कैसा लगेगा, किसी को ज्यादा चोट लग जाएगी तो अभी बिल्कुल केयरलेसली लोग चलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एजेड लोग। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, अभी जो दुर्घटना हुई है, ई रिक्शा पलटा है, क्या घटना हुई? बस वो बहुत जैसे टर्निंग पर आ रहा था, बहुत तेजी से लेके आ रहा था, एक तो रास्ते भर में बड़ा इरिटेट हो गए, गंदी तरह से बात कर रहा था, इरिटेट हो रहा था कि बहुत देर लगा दी। शुरू में ही बात हुई थी कि पूरी परिक्रमा करनी है भैया, जहां जहां मंदिर आएंगे वहां दर्शन करने हैं, तो हर जगह पर दर्शन करते वक्त जो है वो जल्दबाजी कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत चिड़ा चल रहा था और हर रास्ते में जो है बहुत तेजी से चला के आ रहा था। अभी इस टर्निंग पर उसने इतनी गंदी तरह से टर्निंग किया गाड़ी को, तो ऊंचाई थी, ऊपर से टर्न किया, टर्न करते गाड़ी जो है एकदम गिरी, बैलेंस बना नहीं और एकदम से गिरी है, हम चारों गिरे, और मुझे तो ये भी शक है कि कहीं उसने कुछ ड्रिंक वगैरह ना कर रखा हो, क्योंकि ऐसा उसको महसूस हो रहा था उसकी बातचीत से। अच्छा, चोट किन किन को आई है? चोट हमारी मामी जी को आई है, मेरे को आई है, मेरी मम्मी को आई है, हम सबके हाथों में शोल्डर में जो है प्रॉब्लम हो रही है, पसलियों में दर्द हो रहेगा, हर जगह प्रॉब्लम हो रही है।